नमस्कार, एसएससी प्राइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं श्रद्धा संजय अहिरे फ्रॉम टीवाईबीएनएस। तो देखते हैं अब तक की मुख्य खबरें। उन्नति फेस्टिवल में एक बार फिर से एसएससी के स्टूडेंट्स का दबदबा। कॉलेज में गूंज के उठी गूंज। एसएससी कॉलेज ने आसपास के इलाके में चलाया सफाई अभियान। कॉलेज के डीएलएलई यूनिट ने फिर से की अनाथालय की मदद। बॉक्सिंग कंपटीशन का एसएससी कॉलेज ने किया आयोजन। उल्लासनगर निगम द्वारा आयोजित माझी वसुंधरा 4.0 कंपटीशन में एसएससी की जीत। कॉलेज में प्रोजेक्ट गाइडेंस सेशन का आयोजन। नारायण गुरु मंदिर कॉलेज में एसएससी के डांसर्स की धूम। एसएससी के टीचर्स को आदर्श शिक्षक पुरस्कार प्राप्त। बीसीपीए के स्टूडेंट्स ने मॉक बजट में किया पार्टिसिपेट। डीएलएल यूनिट के उड़ान महोत्सव का सफल आयोजन। देखते हैं खबरें विस्तार से। केएम पटेल कॉलेज ठाकुर के उन्नति महोत्सव में एसएससी कॉलेज के सांस्कृतिक विभाग के स्टूडेंट्स ने अलग अलग कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया। फोटोग्राफी के लिए दितेश मोरे, मेकअप कॉम्पिटिशन के लिए लक्ष्मी कांबड़े, पोस्टर मेकिंग के लिए पूर्वा भोजने और पेपर बैग मेकिंग के लिए श्रुति डांगे ने फर्स्ट प्राइज जीता। ग्रुप डांस कॉम्पिटिशन में भी संजीवनी सांस्कृतिक विभाग के डांस मेनिया ने फर्स्ट प्राइज हासिल किया। इसके अलावा सोलो डांस में स्टूडेंट्स श्रुति मोरे और अंशिका ने क्रमशः प्रथम और द्वितीय पुरस्कार प्राप्त किया। थर्ड ड्रेसिंग कंपटीशन में भी कॉलेज को फिफ्थ प्राइज मिला। साथ ही अमृता मिस्त्री को बेस्ट आउट ऑफ बेस्ट की कैटेगरी में कॉन्सोलेशन प्राइज मिला। कॉलेज में गूंज की उठी गूंज। कॉलेज में स्टूडेंट्स को साल भर में किसी बात का इंतजार होता है तो वो है गूंज फेस्टिवल। कल्चरल कमेटी ने हर साल की तरह इस साल भी इंटर और इंट्रा कॉलेजिएट कॉम्पिटिशन का आयोजन किया, जिसमें फाइन आर्ट से लेकर म्यूजिक, डांस, ड्रामा जैसे अलग अलग कैटेगरीज में स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया। साथ ही में ट्रेडिशनल डे, फूड फेस्टिवल, बॉलीवुड डे, हेलोविन डे, साड़ी डे, इन डेज का सेलिब्रेशन स्टूडेंट्स ने धूमधाम से किया। गूंज के साथ ही स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने जिगर द मेगा स्पोर्ट्स इवेंट का भी आयोजन किया। गूंज के मेगा इवेंट का आयोजन टाउन हॉल में हुआ, जिसमें डांस, ड्रामा, म्यूजिक, माइंड जैसे कई इवेंट्स में स्टूडेंट ने धमाल मचाई। एसएससी कॉलेज के एनएसएस यूनिट ने आसपास के इलाके में सफाई अभियान चलाया। कॉलेज ने अडॉप्ट किए हुए मनेरे गांव के विठल मंदिर, मसोबा मंदिर, कृष्णनगर गणपति मंदिर, अशेले गांव का गावदेवी मंदिर, सर्वानंदाश्रम मंदिर के आसपास साफ सफाई अभियान चलाया। साथ ही कॉलेज के परिसर में रंगोली के माध्यम से भगवान रामचंद्र का भव्य रूप बनाया गया। कॉलेज के डीएलएलई यूनिट के वॉलेंटियर्स हमेशा ही समाज सेवा के लिए आगे रहते हैं। हाल ही में बाल केंद्र विकास अनाथालय ने अपने खेल के मैदान को साफ करने के लिए ऑफिशियल लेटर देकर एसएससी के डीएलएलई यूनिट से संपर्क किया ताकि बच्चे वहां खेल सके। इस खेल के मैदान में पूरे महाराष्ट्र से अनाथालय के बच्चे आते हैं और अपना खेल खेलते हैं। डीएलएलई यूनिट ने बच्चों को टी शर्ट और शॉर्ट पैंट भी वितरित किए जो उनके लिए खेल खेलने में सहायक होंगे। बॉक्सिंग कॉम्पिटिशन का एसएससी कॉलेज ने किया आयोजन। कॉलेज का बॉक्सिंग क्लब स्टूडेंट्स को कॉम्पिटिशन के लिए प्रिपेयर करता है, उसी तरह कुछ कॉम्पिटिशन को ऑर्गेनाइज भी करता है। हाल ही में बॉक्सिंग क्लब ने थाने डिस्ट्रिक्ट बॉक्सिंग एसोसिएशन के सहयोग में इंटर क्लब डिस्ट्रिक्ट बॉक्सिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसमें थाने डिस्ट्रिक्ट के बहुत सारे बॉक्सर्स ने सहभाग लिया। उल्लासनगर निगम द्वारा हाल ही में कुछ कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज की गई। माझी वसुंधरा 4.0 नाम से कोई इस कॉम्पिटिशन में एसएससी के स्टूडेंट्स ने प्राइज जीते। रंगोली कॉम्पिटिशन में समाधान बागो ने फर्स्ट प्राइज प्राप्त किया। वही अवंतिका सहारे और यज्ञेश सरोदे को तृतीय पुरस्कार मिला। कॉलेज में प्रोजेक्ट गाइडेंस सेशन का आयोजन। स्टूडेंट्स को पढ़ाई में कॉलेज के टीचर्स हमेशा ही हर तरह से मदद करते हैं। थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए बीएमएस एंड बीएएमएमसी डिपार्टमेंट ने प्रोजेक्ट गाइडेंस सेशन का आयोजन किया, जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर एमए खान इन्होंने स्टूडेंट्स को प्रोजेक्ट के लिए गाइडेंस दिया। कॉलेज के डांस मैन या ग्रुप की जीतने का सिलसिला हर जगह कायम रहता है। नारायण गुरु मंदिर कॉलेज में हुई कंपटीशन में भी एसएससीएन सूरज कदम और डांस मैनिया के क्रिएटिव डांसर्स ने सोलो डांस और ग्रुप डांस ऐसी दोनों कैटेगरीज में फर्स्ट प्राइज प्राप्त किया।
एसएसटी कॉलेज के टीचर्स केवल पढ़ाने का काम ही नहीं करते, बल्कि स्टूडेंट्स के ओवरऑल डेवलपमेंट में भी उनका हाथ रहता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए अंबरनाथ में आयोजित एक भव्य समारोह में माननीय विधायक डॉक्टर बालाजी किनीकर के हाथों से असिस्टेंट प्रोफेसर और उप प्राचार्य डॉक्टर दीपक गवांडे और जूनियर कॉलेज के उप प्राचार्य श्री देवीदास जलकोटे इनको सर्वश्रेष्ठ शिक्षक पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। बीसीपीए के स्टूडेंट्स ने मॉक बजट में किया पार्टिसिपेट। स्टूडेंट को पढ़ाई के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी होना चाहिए। इस कोशिश से एसएससी कॉलेज के सभी डिपार्टमेंट हर कोशिश करते हैं। सेंट पॉल कॉलेज में हुए मॉक बजट में कॉलेज के बीसीबीए स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें इफ आई वेर द फाइनेंस मिनिस्टर यह टॉपिक दिया गया था। इस प्लेटफॉर्म की वजह से बजट के बारे में बहुत सारी चीजों की जानकारी उन्हें मिली। इस अवसर पर स्टूडेंट को पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट भी दिया गया। डीएलएल यूनिट के उड़ान महोत्सव का सफल आयोजन। यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई के डीएलएल यूनिट और एसएसटी कॉलेज की डीएलएल यूनिट के सहयोग से एसएसटी कॉलेज में उड़ान उत्सव बड़े उत्साह के साथ संपन्न हुआ। स्ट्रीट प्ले, पोवाड़ा, एलोकेशन, पोस्टर मेकिंग और क्रिएटिव राइटिंग कॉम्पिटिशंस आयोजित की गई। इसके उद्घाटन के अवसर पर यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई के रजिस्ट्रार और यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई के डीएलएल यूनिट के निदेशक डॉक्टर बलिराम गायकवाड़ ऑनलाइन उपस्थित। इन कॉम्पिटिशंस में 400 से भी अधिक पार्टिसिपेंट्स ने पार्टिसिपेट किया। तो ये थी अब तक की खबरें। मिलते हैं अगले एसएससी प्राइम बुलेटिन में। धन्यवाद।